अमित शाह जी और अमित शाह जी का कार्यालय, आम आदमी पार्टी के पंजाब के एमपी हमारे भगवंत मान जी और हमारे पंजाब के एमएलए को फोन करके सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आइए। यहां तक कि हमारे लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि रकम आप बताओ, बस आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए। जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी में ले लो, लेकिन हमें कांग्रेस का कूड़ा नहीं पसंद। वो बात करने की भी अगर जरूरत करेगा तो उसका पूरा संवाद, पूरी कॉन्वर्सेशन हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। कांग्रेस का तो अब कोई भविष्य, कोई फ्यूचर पंजाब में बचा नहीं। बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडरशिप, जिसमें खुद अमित शाह जी और अमित शाह जी का कार्यालय, आम आदमी पार्टी के पंजाब के एमपी हमारे भगवंत मान जी और हमारे पंजाब के एमएलए को फोन करके सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आइए और इसके लिए आपको जो रकम चाहिए, आपको जो ओहदा चाहिए, आपकी जो मांग है वो मांग हम पूरी करेंगे। यहां तक कि हमारे लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि रकम आप बताओ, कितने करोड़ चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितने जेवरात चाहिए, आप हमें बताओ, हम आपको वो लाकर देंगे, बस आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए। ऐसे सियासी जमीन भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बनाने की कोशिश कर रही है, यह सच्चाई है बीजेपी की। मैं दो बातें बीजेपी को साफ तौर पर कहना चाहता हूं। पहली चीज, अगर आपके पास लोग नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पंजाब में, तो हमारे पास कांग्रेस के 25 एमएलए की लिस्ट है, कांग्रेस के सिटिंग 25 एमएलए जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी में ले लो, लेकिन हमें कांग्रेस का कूड़ा नहीं पसंद, हम उनकी लिस्ट आपको दे देते हैं, आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा दो, लेकिन हमारी पार्टी तोड़ना बंद करो। और दूसरी चीज मैं बीजेपी को साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जो आप हमारे लोगों को फोन करके कह रहे हो कि रकम बताओ, आपको क्या रकम चाहिए, जितना पैसा चाहिए आपको दिया जाएगा, अमाउंट कोट करो, फिगर कोट करो और आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, बस मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के पास कितना पैसा है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी रकम है आपके पास, क्योंकि जितना भी पैसा है आपके पास, कुल मिलाकर जितने भी संसाधन और पैसे आपके पास हैं, आप उस पैसे से आम आदमी पार्टी की मिट्टी से बने एक साधारण से वॉलंटियर को भी, हमारे ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी वर्कर को भी खरीद नहीं सकते, हमारे एमएलए और हमारे एमपी तो दूर की बात है। मैं ये बीजेपी को साफ तौर पर कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने कि आपके महल और आपके पैसे की चकाचौंध देखकर, आपके इन ऑफर्स के लियोर होकर वो आम आदमी पार्टी छोड़कर आपकी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। आज हमने अपने सारे लीडर्स को, पंजाब के एमपी एमएलए सारे नेताओं को, सारे लीडर्स को ये कह दिया है कि आप अपना फोन रिकॉर्डिंग पर डाल दो और बीजेपी का कोई भी नेता, अमित शाह जी खुद करें या अमित शाह जी के कार्यालय से कोई फोन करे या बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर फोन करे, आपको ऑफर दे, आप उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन, पूरी बात को रिकॉर्ड कर लो। आम आदमी पार्टी के एमपी और सभी एमएलए ने अपना फोन रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है, अब कोई भी बीजेपी का लीडर उन्हें खरीदने की या उन्हें कुछ दे के
पार्टी बदलवाने की कोशिश करेगा, वो बात करने की भी अगर जरूरत करेगा तो उसका पूरा संवाद, पूरी कॉन्वर्सेशन हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमने अपने सारे एमपी और एमएलएस को बोल दिया है। इसी के साथ साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अब हर सूबे में पिछड़ती जा रही है, उसकी पंजाब में यह हालत है कि बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के नेता वहां पिंडों में भी नहीं घुस पा रहे, लोग उन्हें गांव में नहीं घुसने देते। ऐसी पार्टी हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही, ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास जितनी मर्जी रकम हो, जितनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस और न जाने क्या क्या तुम्हारे पास एजेंसियां हो, तुम आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं खरीद सकते। आम आदमी पार्टी के लोग ना डरने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। ये सीधी बात मैं भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च लीडरशिप को कहना चाहता हूं। और अगर लोग लेने ही है दूसरी पार्टियों से तो 25 कांग्रेस के एमएलए की लिस्ट हम जारी कर देते हैं। ये वो एमएलए हैं जो रोज हमारे पीछे भाग रहे हैं, रोजाना फोन करते हैं कि जी हम कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, हमें आम आदमी पार्टी से टिकट दिला दो, हमें आम आदमी पार्टी में ले लो, कांग्रेस का तो अब कोई भविष्य, कोई फ्यूचर पंजाब में बचा नहीं है। हम वो लिस्ट दे देते हैं, कांग्रेस का सारा कूड़ा आप ले लो, उन्हें टिकट दे के इलेक्शन लड़ा लो, क्योंकि आपके पास तो लोग ही नहीं है पंजाब में, लेकिन हमारी पार्टी तोड़ना बंद करो। ये मैं सीधे तौर पर बीजेपी को कहना चाहता हूं। और अगर ये लोग अपनी इन आदतों से बाज नहीं आए तो अब हमारे लोग, पंजाब के हमारे लीडर्स, इनकी सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करेंगे, जो ये ऑफर्स दे रहे हैं, जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आप रकम बताओ, आप अमाउंट बताओ, आपको वो दिया जाएगा और आप आम आदमी पार्टी छोड़ो, वो सारी कॉन्वर्सेशन को आम आदमी पार्टी फिर सार्वजनिक कर देगी, जनता के बीच रख देगी, ताकि बीजेपी का असली चेहरा आप सबके सामने आए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।